स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव महादेव के बारे में और उनके त्रिशूल के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम जितनी भी कथाओं का वर्णन करेंगे वो सब पुराणों पर आधारित है। महादेव की तीसरी आंख को लेकर अक्सर लोग सवाल करते हैं। इसके बारे में कई कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे कामदेव ने जब उनकी समाधि तोड़ने की कोशिश की थी तो शिवजी ने तीसरी आंख खोलकर उन्हें भस्म कर दिया था। दरअसल यह कथा प्रतीकात्मक है जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है, पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम की उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने महादेव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी, इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है तो दूसरी चंद्रमा है। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब महादेव ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर मां पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियां महादेव की आंखों से हटा दी। तब महादेव ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती को इससे पहले ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी हैं। हालांकि शिव जी का कोई अतिरिक्त अंग नहीं है बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए जरूरी है। अब बात कर लेते हैं महादेव के त्रिशूल की। त्रिशूल महादेव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें तीन नुकीले सिरे दिखते हैं। संहार का प्रतीक होने के साथ ही यह एक अति गूढ़ बात को बताता है। संसार में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। सनातन धर्म के अनुसार संसार में तीन तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, सत, रज और तम। सत का मतलब होता है सात्विक, रज का मतलब होता है सांसारिक और तम का मतलब तामसी या निशाचरी प्रवृत्ति। हर व्यक्ति में ये तीनों प्रवृत्तियां कम या ज्यादा अनुपात में होती हैं। त्रिशूल के तीन नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों का आवश्यकता अनुसार उपयोग होना चाहिए। अब जान लेते हैं भगवान शिव की भस्म का रहस्य। भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। इस प्रकार महादेव भस्म लगाकर हमें यह संदेश देते हैं कि यह हमारा जो शरीर है वह नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इसे नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। भस्म की एक विशेषता होती है कि यह शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले महादेव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। उम्मीद है दोस्तों आज की यह हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और YouTube चैनल अक्षय एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और नीचे बेल वाला आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।